ये दोस्तों आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ सूरन की बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बिल्कुल मछली की तरह तो उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आने वाली है तो आइए इसे बनाते हैं हेलो दोस्तों आप सभी का रेसिपी किचन में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों से निवेदन है अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ में शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी उम्मीद है अच्छी ही लगी होगी तो आइए इसे बनाते हैं तो दोस्तों इसे बनाने के लिए हम ले लेंगे पहले सूरन तो यहाँ हमने ले लिया है आधा के जी सूरन जो मार्केट में मिलती है वही सूरन है और इसमें खराश बिल्कुल नहीं होती है तो चलिए इसे हम पहले छील करके रख लेते हैं छील करके कट करते हैं तो ये देखिए ये अच्छे से हमने इसे छील लिया है अब इसे हमें कट कर लेना है तो कट करने के लिए हमें बहुत ही छोटे छोटे पीस में कट करना है बड़े बड़े पीस में हम इसे कट नहीं करेंगे छोटे छोटे पीसों में हम इसे कट करेंगे इससे बहुत ही यमी और टेस्टी बनता है इसे हमें अगर खराश नहीं है इसलिए हम इसे डायरेक्ट ही बना लेंगे लेकिन अगर लोकल वाला हो तो उसे आप थोड़ा देर नमक डाल के छोड़ दें पाँच दस मिनट के उसकी खराश कम हो जाती है तो मसाले में यहाँ हमने डेढ़ चम्मच सरसों एक चम्मच जीरा और आठ दस काली मिर्च डाल के इसका हमें अच्छे से पेस्ट बना लेंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका सरसों का कढ़ाई में हम डाल देंगे तीन से चार चम्मच के करीब सरसों का तेल कढ़ाई और तेल दोनों ही बहुत अच्छी गर्म होनी चाहिए फिर यहाँ पे हम डाल देंगे सूरन जो हमने अच्छे से कट करके रखा हुआ है तो ये हमने डायरेक्ट ही डाल दिया है दोस्तों अगर आपका घर का घर में भी उगाया जाता है ना जो सूरन वो थोड़ी सी खराश होती है उसमें तो उसको थोड़ा के लिए नमक डाल के जरूर रख दें पाँच से दस मिनट के लिए कट करने के बाद तो इससे खराश थोड़ी कम हो जाती है इसे हमने देखिए अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये बिल्कुल लाल हो चुका है देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है तो इसे निकाल लेंगे हम सभी सूरन को तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और ये देखिए हमने निकाल लिया है उसी तेल में हम वापस डाल देंगे तड़का में एक चम्मच जीरा एक तेज़पत्ता दोस्तों हमने यहाँ खरा मसाला का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि काफ़ी सारा मसाला हो गया है इसलिए हमने खरे मसाला का इस्तेमाल नहीं किया है लौंग इलायची सब का आप चाहे तो कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज का प्याज था उसे हमने पेस्ट बना के ले लिया है अब डाल देंगे यहाँ पर हम अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहीं पे डाल देंगे हमने जो मसाला पीस के रखा है सरसों जीरा और काली मिर्च का उसे भी डाल देंगे तीनों को देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे अच्छे से मिला लेते हैं कुछ सूखा दूर्णा दूर्णा मसाला भी डाल देंगे यहीं पे आधा चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर और साथ में आधा चम्मच ही डाल देंगे हम लाल मिर्ची का पाउडर इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमें एक से दो मिनट तक हम भून लेंगे ये अच्छे से भुना है इसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे नहीं तो मसाले जो है वो जलने लगेगी फिर अच्छे से भुनाई नहीं कर पाएगी इसलिए हमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं अब इसे अच्छे से हमें भूनना है तो पहले एक दो मिनट तक हम इसे भून लेते हैं तो ये देख सकते हैं आप सब हमने इसे एक से दो मिनट तक अच्छे से भून लिया है तो यहाँ पर हमने दो टमाटर लिया है जिसको हमने बारीक कट कर लिया है उसे डाल देंगे चाहे तो इसका आप पेस्ट भी बनाकर ले सकते हैं दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे मिक्स कर लेते हैं और टमाटर जल्दी से पक जाए इसके लिए हम डाल देंगे यहाँ पे नमक तो नमक हमने डेढ़ चम्मच डाला है आप अपने स्वाद अनुसार ले लें इसे अच्छे से मिक्स करके इसे हमें अच्छे से भूनना है लो फ्लेम करके तीन से चार मिनट तक या जब तक कि तेल अलग ना होने लगे तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से हमने इसे भून लिया है तो इसे हम आप डाल देंगे सूरन को जिसको हमने फ्राई करके रखा हुआ है और इसे मिक्स कर लेंगे एक से दो मिनट तक इसे वापस मसाले के साथ भून लेंगे दोस्तों ये जो सूरन है मार्केट वाली ये जल्दी से पकती नहीं है इसलिए हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे अगर लोकल सूरन होती है जो घर में उगाई जाती है वो बहुत ही जल्दी पक जाती है तो उसे आप कढ़ाई में बना सकते हैं लेकिन ये जल्दी नहीं पकती है तो हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं आप लोग डायरेक्ट ही कुकर में बना सकते हैं लेकिन दोस्तों हमारे क्या होता है कि रिकॉर्ड करने में कुकर में थोड़ी सी दिक्कतें आती है इसलिए हमने पहले कढ़ाई में किया है फिर वापस उसे कुकर में डाला है अब इसे हम पानी डाल देंगे अच्छे से भुन चुका है तो पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही थोड़ा हम यहाँ पर डालेंगे गर्म मसाला इसे मिक्स कर लेंगे यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है नींबू नींबू का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सूरन की सब्ज़ी में जरूर डालें कुकर में बना रहे हैं तो यहीं पे डाल दें लेकिन अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो जब सूरन अच्छे से पक जाए तब डालेंगे लास्ट में उतारते के वक्त आधा नींबू का ये इस्तेमाल किया है हमने इसे अच्छे से डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम करके हम इसे तीन सीटी लगाएंगे तो चलिए इसे हम पहले सीटी लगा देते हैं तो ये देखिए दोस्तों हमने इसे अच्छे से पका लिया है तीन सीटी आ गई है और ये ठंडी भी हो चुकी है तब इसे निकाल लेते हैं ढक्कन को अभी देख सकते हैं आप सब हमारी जो सब्जी है सुरन की बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो गई है इसकी ग्रेवी भी, भी काफ़ी कम हो गई है और बहुत ही अच्छा से पक चुका है आप सब देख सकते हैं चलिए हम इसे निकाल लेते हैं तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही अमीर हमारी सुरन की सब्जी बन के तैयार हो गया है तो आप सब जरूर बताइए कि आप सबको ये कैसी लगी और हमारे यहाँ इसे लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज में ओल कहते हैं आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी कर दें फैमिली फ्रेंड्स को